नमस्कार दोस्तों, ब्लड टेस्ट के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा भूतिया होने वाली है और स्पेशली वैसे लोगों के लिए जो लोग भूतों पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनकी रातों की नींद भी खराब हो सकती है। क्योंकि आज की स्टोरी मुझे आदित्य नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था और उसने बोला था कि आप ये स्टोरी YouTube पे जरूर बताना, क्योंकि उसके साथ एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक घटना हुई थी। उसके बाद वो बिल्कुल दहल सा गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि पीपल का पेड़ हॉन्टेड कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह पे लोग पीपल के पेड़ की पूजा भी करते हैं, वहाँ पे शाम के टाइम में दिया भी जलाते हैं। जैसे बहुत सारे गांव हैं, जैसे मेरे गांव में ही मतलब मैंने देखा है कि लोग दिया जलाते हैं और शाम को पीपल के पेड़ के पास रख के आते हैं और वैसे भी पूजा करते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि फिर पीपल का पेड़ हॉन्टेड या हॉरर मतलब कैसे उस पर भूत कोई रह सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो पीपल के पेड़ होते हैं और जो बरगद के पेड़ होते हैं, ये ना बहुत ही ज्यादा अंदर से एक रहस्य वाले होते, मतलब बहुत ही ज्यादा खौफनाक होते हैं। क्योंकि जो भूत प्रेत जैसी चीजें होती है ना, वो इन पेड़ों पे बहुत जल्दी वास करती है और खास करके बरगद के पेड़ पे। वहां पे तो जो डायने होती है, जो डायन बनने के जो उनकी रिचुअल होते हैं, जो सीखती हैं, जो उनका वहां पे कुछ ना कुछ रिचुअल करती है, भूतों को बुलाती है, वो बरगद के पेड़ के नीचे ज्यादा करती हैं। और जो बरगद की जो पेड़ की वो होती है ना टहनिया, जो नीचे जड़ होता है, बोला जाता है कि उसमें भी बहुत सारे भूतों का वास होता है, मैंने सुनी हुआ ऐसा। तो इसीलिए भूत तो होते हैं बरगद और पीपल के पेड़ में, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि वहां पे शायद भगवान भी रहते हैं या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से शाम के टाइम में पूजा करते हैं। मुझे नहीं पता कि असली रीजन क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को आदित्य की स्टोरी बता देती हूँ। बेसिकली उसके साथ हुआ क्या था, आदित्य एक गांव में रहता है जहाँ पे उसके घर के पीछे एक बहुत ही ज्यादा भारी और बहुत ही ज्यादा पुराना और बुढ़ा पीपल का पेड़ है। मतलब बोलते ना कि मतलब बहुत सालों पुराने पेड़ होते हैं, जो मतलब ऐसा लगता है कि कभी भी गिर सकते हैं, बहुत बुढ़े हो जाते हैं, उस टाइप का पीपल का पेड़ है जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखता है। आदित्य मतलब छोटा ही था वो टाइम पे, उसको समझ में नहीं आता था कि मतलब ये इतना भयानक क्यों दिखता और इसके बारे में लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो एक दिन वो ऐसे खेल रहा था कहीं पे बाहर, अपने जो घर की जो गलियां होती है वहां पे खेल रहा था। तो दो मतलब आंटी लोगों के बात करते हुए सुना कि जो पीपल का पेड़ है ना ये वाला, इससे रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तो उसने सोचा कि अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, क्योंकि जो पीपल का पेड़ था वो उसके घर के पीछे ही था, और ये पीपल का पेड़ है और ये इसका घर है, मतलब बिल्कुल जस्ट उसके घर के पीछे। और जो आंटी लोग बात कर रही थी वो उनका घर थोड़े से दूर पे था। तो वो सोचता है कि मतलब क्या बोल रही है लोग, मुझे यहाँ पे रुक के सुनना चाहिए। तो वो वहां पे रुक जाता है और पूछता है कि मतलब क्या हुआ, आंटी आप बताओ क्या बोल रही थी उसके बारे में, पीपल के पेड़ से अजीब अजीब से आवाजें आती। तो आंटी लोग बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको लगा कि छोटा लड़का है डर जाएगा ऐसे ही। तो उन्होंने बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बोला बताओ ना प्लीज बताओ क्या है ऐसा। तो बोल रहे थे कि आंटी लोगों ने बताया कि जो पीपल का पेड़ है वो बहुत ही ज्यादा भूतिया है और बहुत सालों पुराना पेड़ है, और वहां पे लोग रात में कुछ अजीब अजीब सी एक्टिविटी लोगों ने देखा है वहां पे, और कभी भी रात में सोते टाइम ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सी आवाज आ रही है रात के 2 बजे के बाद पीपल के पेड़ की तरफ से। अगर कोई उधर गुजर गया बाय चांस, रात में कोई चला गया उधर, तो उसको ना अजीब सी नेगेटिविटी आएगी और उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, मतलब किसी की आहट महसूस होती है। उसके बाद आदित्य सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गया और अपने घर चला गया, और किसी से उसने ये बात बताया नहीं। उसने मतलब ऐसे अपने दिल में रखा भी, वो सोचा कि क्या बताना घर वालों को, उनको शायद पता ही होगा। वो जब रात में सोने गया, जिस दिन सुना था उसके रात में, उस दिन से उसके साथ एक भयानक कांड होने स्टार्ट हो गई। मतलब जो उसका बेडरूम था ना, वो पीपल के पेड़ की टहनियां और उसके पत्ते होते उसके बेडरूम के विंडो की तरफ लगभग आते थे,
मतलब बहुत ही करीब थे उसके विंडो से, उसके बेडरूम के। तो वो रात में, एक तो सुना था पीपल के पेड़ के बारे में, रात में उसको देखा पेड़ को, तो बहुत ज्यादा डर गया। सोचा कि लोग बोलते हैं कि इससे अजीब सी आवाजें आती है और मैं इधर ही सो रहा हूँ, मेरे साथ कुछ होगा तो नहीं। तो उस दिन रात को उसको बहुत ही नेगेटिविटी फील होती है, वो मतलब डरा डरा सा था, लेकिन सोने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि शायद मैंने इसके बारे में इतना बुरा बुरा सुना हूँ, इसलिए मेरे दिल में वहम हो गया होगा, शायद ऐसा कुछ बुरा मेरे दिल में आ रहा होगा क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना हूँ, इससे पहले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आदित्य के साथ इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था क्योंकि वो तो बचपन से उसी बेडरूम में सो रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हो रहा था ऐसा। तो वो कैसे भी कोशिश करता है, उसको नेगेटिविटी अजीब सी गंदी फीलिंग आती है, लेकिन सो जाता है। और उसी रात में उसको ना अजीब सा सपना आता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ हूँ, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सो रहा हूँ, और मेरे बेड के, मेरे पैर के सामने कोई बैठा हुआ है और वो मेरे गले की हड्डियां जो होती है ना, ये दबाने की कोशिश कर रहा है बहुत ही जोर जोर से, और मैं उसकी हड्डियां, गले की हड्डियां दबाने की वजह से मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ और मुझे गुदगुदी लग रही है। मतलब आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है वो, लेकिन तो भी बोला उसने, हंसते हंसते बोला कि छोड़ो क्या कर रहे हो, और पता नहीं कौन सा अजीब सा आदमी उसको दिख रहा था सपने में, उसने बोला क्या कर रहे हो छोड़ो, तो भी वो आदमी नहीं छोड़ा। तो उसने सपने में अचानक उसका हाथ ऐसे झटका, ऐसे झटक दिया, तो वो आदमी वहां से गायब हो गया और उसकी आंख खुल गई। उसको समझ में नहीं आया कि क्या ये सपना था या मेरे साथ रियल में हो रहा था, क्योंकि उसको उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ ये सब कुछ रियल में हो रहा था। उसके साथ स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई उस दिन से ही, और जो सेकेंड डे था उस दिन भी सेम टू सेम उसके साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई। वो सो रहा है, उसको सोए हुए करीबन 5-10 मिनट हुए होंगे, उसको ऐसा लगा कि अचानक से कोई कूद के उसके यहाँ पे सीने पे आके बैठ गया और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वो इतना ज्यादा डर गया, वो बिल्कुल छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी शक्ल थी उसकी। उसकी एक तो उसका फेस कट समझ में नहीं आता कि आदमी वो आदमी है और क्या है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था। वो बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बहुत मतलब उसको घुटन होने लगी उसकी वजह से। वो कोशिश करते करते उसके बाद कैसे भी करके उसने उस आदमी को धक्का मारा, गिराया और उसकी आंख खुल गई। उसको समझ में नहीं आया कि ये सपना था या रियल में हुआ था, क्योंकि उसको सोए हुए मुश्किल से 5-10 मिनट हो रहा था, उसको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आप लोग बताती हूँ कि उसके साथ स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम ही हुई थी, क्योंकि ऐसा होता है, आप रात में सो रहे हो, आपको सोए हो 5-10 मिनट हो या दिन में भी सो रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई आके बैठ गया, आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, और झट से आप उससे फाइट करते हो, झट से आप उसको वहां से हटा दिया और आपकी आंख खुल गई। उसको स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम ही बोलते हैं, जो नेगेटिव पावर्स की वजह से भी होता है, नेगेटिविटी की वजह से भी होता है। उस दिन वो बहुत ज्यादा डर गया और बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुन के उसकी दादी और उसके घर वाले उसके कमरे में आते हैं और सब लोग पूछते, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ अभी। उसकी दादी थोड़ी सी घबरा गई, पूछी कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसने बोला कि जब आंटी लोगों को बात करते हुए मैंने सुना था कि वो पीपल का पेड़ मतलब है, उससे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वहां पे मतलब कुछ भूतिया चीजें होती हैं। उसके बाद से ये दूसरा दिन हो गया जो मेरे साथ अजीब अजीब सी सपने आ रहे हैं और अजीब सा मेरे साथ हो रहा है। तो उसकी दादी बोलती है कि बेटा तू टेंशन मत ले, तू आ मेरे कमरे में सो जा। और उस रात में वो सोता है और उसकी दादी सुबह सुबह जो दिया होता है ना, दिया ले जाती है और पीपल के पेड़ के पास जलाती है और बोलती है कि प्लीज आप जो भी हो मेरे बच्चे को परेशान मत करो, मैं रोज शाम को आपके पेड़ के पास दिया जलाऊंगी और मतलब जो भी भूल चुक हुआ होगा मेरे पोते से उसको माफ कर दो प्लीज। उसके बाद से आप यकीन नहीं मानोगे, आदित्य के साथ कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद से। उसके बाद से वो रोज सोता था, सब कुछ एकदम नॉर्मल सा हो गया। उसकी दादी ने बोली कि ये जो पेड़ है ना, ये बहुत ज्यादा पुराना है और मानते हैं कि बहुत साल पहले वहां पे शायद कुछ हुआ था, बहुत ही ज्यादा भूतिया कुछ हुआ था वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे नेगेटिविटी है। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि मैंने अपने गांव में भी देखी हूँ कि लोग पीपल के पेड़ के पास दिया जलाते हैं, शायद ये रीजन भी हो सकता है कि
शायद वहां पे उस पे कुछ रहते होंगे ऐसा, जिसकी कुछ नेगेटिव एनर्जी होती होगी जिसकी वजह से लोग शाम के टाइम में दिया जलाते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, लेकिन वो बहुत टाइम से बोल रहा था कि ये स्टोरी आप यूट्यूब पे बताना जरूर, क्योंकि जिसके साथ होता है ना वो फील कर सकता है कि मतलब ये सिंपल है या हार्ड है, और जिसके साथ नहीं होता, जो लोग नहीं मानते वो फील नहीं कर सकते, मतलब डरावनी चीजें भी दुनिया में होती है। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आप मानते हो तो भूत प्रेत भगवान सब होते हैं, नहीं मानते तो कोई नहीं होता। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों के वीडियो कैसा लगा, और बहुत आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया वो पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ के बारे में। और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास आए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।